चार नेताओं के प्रचार पर रोक के बीच चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। दरअसल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच इस पर सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर इसमें सुनवाई होनी है और रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की जो बेंच है वो इस पर सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग एक अधिकारी को सुनवाई में मौजूद रहने के लिए भी कहा गया है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी को क्या किसी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, इस सवाल पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में देखेगा इन तमाम चीजों को कि शक्तियां क्या हैं और उन्हें लेकर कितने अधिकार हैं। चुनाव आयोग के तीन जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। भारत का चुनाव आयोग क्या बिना दांत का शेर है? चुनाव आयोग की हैसियत सियासत के आगे कुछ नहीं, या फिर चुनाव आयोग को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं? चार सियासी दिग्गजों के चुनाव प्रचार पर रोक लगाकर चुनाव आयोग एक्शन में है। चुनाव आयोग के इस कॉन्फिडेंस में सुप्रीम कोर्ट आज और इजाफा कर सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारों की जांच परख के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ये सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच करेगी। कोर्ट ने इस दौरान आयोग के एक अफसर को पेश होने को कहा है। दरअसल नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर कल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर अब तक क्या कार्रवाई की? इस पर चुनाव आयोग का जवाब था, चुनाव आयोग शक्तिहीन है, हम आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या चुनाव आयोग को चुनावी सख्तियों और अपने अधिकारों के बारे में पता है? चुनाव आयोग ने कहा, हम सिर्फ एडवाइजरी दे सकते हैं, अयोग्य ठहराना या मान्यता रद्द करना हमारे अधिकार में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर ये सुनवाई कर रहा है जिसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संवैधानिक समिति गठित करने की मांग की गई है।